अषाढ़ मास की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजन का दिन, शिष्य को ध्येय प्राप्ति के लिए कटिबद्ध होने का दिन। परंतु आज के समय काल में सबको ही गुरु भेंट होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। आज यदि किसी को वास्तविक गुरु प्राप्ति ना हुई हो तो सूर्य देवता के दक्षिणायन के बाद प्रथम पूर्णिमा यानी अषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन पर चंद्र, पृथ्वी की स्थिति और अन्य खगोलीय घटनाएं तथा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यक्ति की ग्रहण क्षमता अधिक होती है। पुराणों के अनुसार इसी दिन पर भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को यौगिक ज्ञान संचारित कर वे आदि गुरु बने। इसी दिन भगवान बुद्ध ने भी सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश सामान्य जन के लिए प्रवाहित किया था। जैन धर्म में त्रिनोक गुहा पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने वाले इस दिन पर भगवान महावीर ने इंद्रबुद्धि गौतम को अपने प्रथम शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। सनातन संस्कृति में यह दिन यानी व्यास पूर्णिमा का पवित्र दिन, महान गुरु कृष्ण द्वैपायन, भारतीय संस्कृति के ऐसे दूरदर्शी महान गुरु जिन्होंने युगों उपरांत भी सामान्य जन तक प्रभुवाणी वेदों का ज्ञान उपलब्ध होता रहे, ऐसे उदात्त हेतु से वेदों को सरल भाषा में चार भागों में संकलित किया। जगत की सबसे बड़ी महागाथा महाकाव्य में भारतीय संस्कृति के विचारों का संकलन कर महाभारत के पात्रों तथा प्रसंगों के निष्पक्ष विवरण द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ महाभारत उन्होंने लिखा, जिसे पंचम वेद की उपाधि मिली। व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति तथा समाज उत्थान के लिए नित्य पथ दर्शक ऐसे महान कृष्ण द्वैपायन गुरु वेद व्यास बने। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व को समाज के स्मरणों में हमेशा जीवंत बनाए रखने के लिए लोग संस्कृति के विचारों के उत्थान के लिए निरंतर निस्वार्थ कार्य करने वाले लोगों को व्यास कहकर संबोधित करने लगे, और वे जिस पवित्र स्थल से अपने विचार प्रवाहित करते हैं उसे व्यास पीठ कहा जाता है। और आज भी हम भारतवर्ष के ऐसे कई महान मार्गदर्शक, संस्कृति के उद्धारक, महान गुरु को स्मरण कर गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं। गुरु यानी अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करने वाला, जीवन पथ दर्शक, अपना गुरुत्व शिष्य को देने वाला, अपने जीवन वर्तन व्यवहार से उपदेश देने वाला, शिष्य में प्रेम शक्ति तथा तेजस्विता बढ़ाने वाला, शिष्य के दोष गुण अवगुण का दर्शन करा जीवन परिवर्तित करने वाला, स्वयं कष्ट उठा सत्कार्य के लिए दूसरों को प्रेरित कर समाज को सुगंधित करने वाला, माता की तरह प्रेम देने वाला तथा पिता की तरह ध्येय प्राप्ति के लिए निरंतर प्रोत्साहित करने वाला, ऐसा महान व्यक्तित्व यानी गुरु। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के जैसे सुवृत्ति सद्गुण के सर्जक, विष्णु के जैसे सद्वृत्ति के संरक्षक और महेश्वर के जैसे दुर्गुणों के संहारक तथा नर की नारायण से भेंट कराने वाला गुरु साक्षात पर ब्रह्म के समान। आज भले ही हमें अपने जीवन काल दरमियान कभी ऐसे वास्तविक गुरु की भेंट ना हुई, परंतु जगत के प्रत्येक मनुष्य के गुरु माँ श्रीमद् भगवत गीता के पथ पर चलना तथा ऐसे गुरु के शिष्य बनने के लिए पात्रता विकसित करना तो हमारे सौभाग्य में है ही। पशुतुल्य अज्ञान और अंधकार युक्त जीवन जीते जीव को शिव के साथ भेंट कराने के लिए ज्ञान दीपक जलाने वाले जगत गुरु के हम हमेशा ऋणी रहेंगे। आज भारतीय संस्कृति के एक आधार स्तंभ ऐसे गुरु शिष्य परंपरा के मूल उद्देश्य को प्रतीकात्मक रूप से ही सही परंतु जीवंत रखने वाला एकमात्र दिन यानी गुरु पूर्णिमा। आज के दिन पर हमारे महान गुरुओं द्वारा दिए गए ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित रख जीवन में उतार संस्कृति उत्थान के ध्येय को लिए निरंतर कृतज्ञता पूर्वक कार्य करना ही सही अर्थ में गुरु पूजा।